एक आपने और बताया था कि परमात्मा जो है वो अंदर का मतलब जो प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश नहीं जो आंखों को देखने में मदद करेगी। अच्छा, फिर आपने बताया भी अंदर कोई आंख नहीं है, दिखता नहीं है। हाँ। अच्छा, कई बार आंख बंद करके बैठते हैं। हाँ। तो यहाँ पे इस तरह की जैसे फ्लैश लाइट ऐसे होती है। हाँ। वो उसको कौन देखता है वो, इसलिए जबकि आंखें बंद है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि ये भी तो हमने बताया ना कि न मालूम कौन कौन से कर्म के छाप अंदर बैठे हैं और ये छाप निकलते हैं, तो निकलने की गति कौन किस तरह का सेंसेशन वर्ड समझते हैं ना, किस तरह का सेंसेशन आपके अंदर पैदा करेगा, ये तो हर आदमी की अवस्था के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। आपके साथ ऐसा होता है लेकिन सबके साथ तो नहीं होता, अगर सबके साथ होता तो मैं जवाब दे देता, अब आप समझ गए ना। इसलिए ये जो निकलते हुए छाप है ये कोई ना कोई सेंसेशन के रूप में ही निकलेगा, आपके साथ ये सेंसेशन है, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा, एक दिन जरूर आएगा। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण सिर्फ ये है कि एक दिन था जब ये शुरू हुआ। जो चीज शुरू होता है वो समाप्त जरूर होता है, बैठने के बाद ही शुरू हुआ। हाँ, इसलिए बैठे बैठे ही ठीक हो जाएगा और उगा। तो ये समझ नहीं आते भी अंदर जब आग नहीं है। हाँ। तो वो फ्लैश लाइट की सेंसेशन वो कौन फील करता है? वही मैं कह रहा हूँ, बाहर जैसे जैसे हम इस समय बैठे, ना मेरे ऊपर फ्लैश पड़ रही है, आप देख रहे हैं इस फ्लैश लाइट के सेंसेशन की छाप भी तो हमारे ऊपर पड़ सकती है, और ये सेंसेशन निकलेगी तो फ्लैश लाइट की छाप के रूप में ही निकलेगी। आप समझ आ गई ना आपको बात, जो कुछ जैसे पड़ती है वैसे ही निकलती है। भाई ये जो है ना, आपने देखा गाना सिनेमा में तो स्वप्न में भी वही गाना आया ना, तो जैसी छाप पड़ती है वैसा ही निकलता। महसूस कौन कर रहे हैं, देख कौन रहा है ये पूछा आपने? अच्छा, महसूस करने वाला आपका मन है, जिसकी अवस्था उठानी वही जो जीव आत्मा जी कह रहे हैं। आप समझ गए ना, मन देखिए पूरी सृष्टि में महसूस करने वाला केवल एक है, वो है मन। मन अनंत है, वो अलग बात है। आपका मन, इनका मन, इनका मन, इनका मन, सबका मन अनंत है, अनंत मन है, और इसीलिए हम भजन गाते हैं। वो क्या है उससे बड़ा ना कोई, मेरा मन नहीं 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 मनी देवता। हाँ, ये मनी देवता, मनी ईश्वर है, मनी देवता है, मन से बड़ा ना कोई, ये मन उसी ईश्वर शांत है और वही अंदर बैठा हुआ है, और जब तक आपके शरीर में बैठा है तभी तक आपके शरीर को ना गाला जाएगा ना जलाया जाएगा, और वही महसूस करने वाला है, वही देखने वाला है। गहरी निद्रा में जो होश है वो होश देख रहा है, देखने वाला आपका होश है, और होश उस मन की शक्ति है, होश देख रहे हैं। हाँ, स्वप्न में कोई दूसरा होश देख रहा है, ध्यान में कोई दूसरा होश देख रहा है, जागते समय कोई दूसरा होश देख रहा है, देखने वाला केवल होश है, सारी महसूसियत का कारण तो होश है ना, लेकिन ये होश हमारे मन की ताकत है। मतलब होश एक नहीं है, कई होश तो माध्यम है, होश तो माध्यम, देखने वाला तो मन ही है, होश तो केवल जरिया है जिसके लिए, चाहे ऐसे कह लीजिए चाहे वैसे कह लीजिए, एक ही बात है, एक ही बात है, कुछ भी कह लीजिए आप। हाँ, समझने की बात है, देखता तो होश ही है ना, जब आप गहरी निद्रा में हैं और यहाँ चार आदमी मिलने आए तो बिना जाके तो आप नहीं देख सकते, तो कौन देख रहा है? आपको होश ही तो देखेगा तो कौन देखेगा? चलिए ये कह लीजिए कि होश के माध्यम से देखने वाला जो है उसका नाम हमने रख दिया है मन। भैया बच्चे के, एक बाप के चार बच्चे हुए, दो चार नाम रख दिया, अब किसी ने क्या मतलब हमने क्या नाम रखा है कि नहीं, तो देखने वाले का नाम आप मन रख दें कोई हर्जा नहीं, ठीक है। ये जो गुस्सा या क्रोध होता है ये भी मन में होता है क्या? सब चीज, सब कुछ, इसमें गुस्सा तो एक ही कारण है ना, इच्छा की पूर्ति में देखो रुकावट, और इच्छाएं कहाँ है तो फिर बुद्धि का देश, बुद्धि का तो कोई वही नहीं। आप हर चीज को प्रमाण के साथ सिद्ध करते हो जी, आपने सबल बोला बाद में आशीर्वाद आशीर्वाद, आपने पहले कई चीज बता दी कि इस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार शक्ति काम करती है, संस्कार उभारती है, चलती है, कोई आशीर्वाद भी काम करता है जी, ये कैसे काम करता है? हमने बताया ना इच्छा शक्ति, जिस इच्छा को इच्छा शक्ति मिल जाएगी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए जिस बीज को खाद और पानी मिल जाएगा
वो पेड़ जरूर बन जाएगा। नहीं समझ में? उदाहरण से दे रहा हूँ ना, आपने गुलाब का बीज लगाया, गुलाब का पौधा घर में लगाया, नहीं समझे? समझ गया ना। अब आपने वहाँ आशीर्वाद, अरे भाई हमारी बात को उदाहरण देंगे ना, तो जब गुलाब का पौधा लगाया तो वहाँ एक बीज है, उस बीज वो गुलाब हर जमीन पर तो नहीं होगा ना, किसी जमीन पे हो जाएगा, जिस जमीन पे हो जाएगा उस जमीन में उस गुलाब को पैदा करने की शक्ति है, जिस जमीन में नहीं होगा जिसे बंजर कहते हैं वहाँ शक्ति नहीं, ये बात आपने मान लिया। इसी तरीके से जिस मन में जो इच्छा पैदा हो, इच्छा छोटी छोटी भी होती बहुत बड़ी बड़ी हो, तो जितनी आत्मा की शक्ति मन में होगी वो इच्छाओं को मिल जाएगी। अब मेरी बात नहीं समझ आ रही है? तो जैसे बीज को जब शक्ति मिलती है तो पौधा तो अपने आप बढ़ता है, पड़ता है कि कोई बढ़ता है, अपने आप बढ़ता है ना। इसी तरीके से अगर हमारी इच्छा को शक्ति मिल गई तो जो आशीर्वाद दिया वो अपने आप हो जाएगा ना, जो दे रहा है उसमें होनी चाहिए, जो दे रहा है उसमें होनी चाहिए। और क्या पंडित जी और कोई वो है तो नहीं यहाँ पर अनाउंसमेंट? हाँ बोलिए। जलपान की हलवा बड़ा बोला उसकी थोड़ी बाला से हम बात कर लेंगे, कभी आएगी हमें कौन जल्दी है, मुझे तो यही रहना है। और भी कोई प्रोग्राम है वो बताओ ना, हलवे वाली बात से बताते बोला एक जना का हलवा बड़ा बोला उसकी सुनियो काम तो बहुत सही, शिकायत याद है बस जाते बस वही पे वही पता है वही पे आना भाई, जो कुछ है वही तो आप कर लेंगी, जो याद ही नहीं कैसे कर लेंगी। अब समझ आ गई ना ये? अच्छा अच्छा मन जीव और आत्मा ये आप समझ आ जाते, चलो परमात्मा भी हो गया। परमात्मा आत्मा जीव, ज्यादातर लोग जीव आत्मा कहते हैं, जीव को आत्मा अलग होता है, जीव आत्मा अलग है, खाली जीव कहिए ये आपकी मर्जी।